सारा जो प्रोग्राम बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब को खराब करने के लिए, खजल करने के लिए, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अगर जितनी जीआईटी बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आपने देख लिया कि 4 मुकदमात में जमानत हो गई है, वो भी जीआईटी उसमें बनी हुई थी। तो नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए थे, इस पे क्या कहेंगे? और आज चूंकि पेश भी हो गए तो आप क्या स्टेटस है इसका? ये तो बिल्कुल फारिग हो गया, अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केस तो चलेगा, केस क्योंकि तो इन अदालत है, उसकी कार्रवाई उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और ये केस उड़ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम हैदर स्टेटमेंट किस हवाले से तलब की? देखें, जो दौरान कस्टडी जो बयान होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह से आजम खान जो है वो आपको पता है कि 4 हफ्ते जो है वो बिल्कुल अबडक्ट रहे हैं और अचानक से जो है वो बरामद किए गए हैं कि और उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दिया कि वो अपने दोस्त के पास थे, तो उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि अगर दोस्त के पास थे तो वहां से उन्होंने क्यों नहीं फोन अपनी फैमिली को किया, या क्यों नहीं उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, या क्यों नहीं उन्होंने कोई वीडियो पैगाम जारी किया या कोई पोस्ट लगाई हो कि मैं अपने दोस्त की तरफ हूँ, क्योंकि खबरें चल रही थी कि दोस्त ऐसा कोई अंडरग्राउंड था जिसके पास वो थे, जहाँ से जो है वो बयान भी नहीं दे सकते थे और बता भी नहीं सकते। वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, किसी न किसी तरह से खान साहब को नायल करने का सिर्फ मकसद है और कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल है कि जीआईटी बने, जो भी स्कीम दी जाए उसमें भी खान साहब सही तरह से? देखिए, रोजाना जीआईटी आप देख लें कि क्वेटा के अंदर जीआईटी बना दी गई है जी, आपने जो है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ उसमें जीआईटी बना दी है, फलानी जीआईटी लाहौर के अंदर बना दी, जितनी जीआईटी बना रहे हैं उसका फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह है एक हाइप क्रिएट करने के लिए और वहाँ पर जो स्पेशल लोग बिठाए हैं, ये सारा का सारा जो प्रोग्राम बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब को खराब करने के लिए, खजल करने के लिए, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अगर जितनी जीआईटी बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आपने देख लिया कि 4 मुकदमात में जमानत हो गई है, वो भी जीआईटी उसमें बनी हुई थी जी। थैंक यू।